मैं ओबीसी कैटेगरी में हूँ, इतने मार्क्स आए हैं, क्या मुझे शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी चाहिए? मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरे इतने नंबर है, क्या मैं एग्जाम क्वालिफाई कर जाऊंगा? सर क्या ये हो जाएगा, क्या वो हो जाएगा? बहुत सारे डाउट्स आप सभी के मन में है, बहुत सारी चीजें हैं रिगार्डिंग एसएससी स्टेनो का प्री के बाद में जो मेंस एग्जाम होता है उसके लिए। तो आज इस वीडियो में मैं सभी सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, और सिर्फ डाउट्स ही नहीं क्लियर करूंगा, आपको मैं एक सॉल्यूशन भी दूंगा कि चलो ठीक है सर, ये डाउट तो क्लियर होगा, अब करे क्या, एग्जैक्टली क्या करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, छोटा सा वीडियो रहेगा, टू दी पॉइंट में बातें करूंगा, क्योंकि इसी सेम टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया है मेरे दूसरे चैनल पर, वहां पर अलग एडवाइस दी है। सो मेक श्योर अगर आप चाहते हो तो वहां पर भी आप जाके एक बार चेक कर लीजिए उस वीडियो को, और यहां पर तो आपको मैं डेफिनेटली उससे कुछ हटके एडवाइस दूंगा, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स थोड़े ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए, ज्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, कम बच्चे हैं, एंड कम बच्चों को मैं टू दी पॉइंट प्रिसाइज एडवाइस देता हूँ। सभी लोग के लिए चैनल नहीं है, इसीलिए ज्यादा मैं इस चैनल को प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास में क्वालिटी ऑडियंस रहे। जितने भी आप लोग सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, क्योंकि आप लोगों के लिए डायरेक्ट मैं क्रीम कॉन्टेंट ले आ रहा हूँ, ठीक है। सो बात करें कि सर करें क्या, कितने नंबर है, देखो आपको पता है कट ऑफ खेल लिया है आप लोगों ने, कितने नंबर आए हैं, क्या है, सभी को पता है, एक आइडिया तो लग चुका है आप लोग के पास में कि सर इतने नंबर है तो तैयारी करनी चाहिए, इतने नंबर है तो तैयारी नहीं करनी चाहिए। बस आप लोग करते क्या हो, एक वीडियो से दूसरे वीडियो से तीसरे वीडियो, बार बार सब लोग से आपको कन्फर्मेशन चाहिए, कन्फर्मेशन में मत फंसे रहो, एक बार एडवाइस लो, मेक श्योर कि ये आपका आखिरी वीडियो रहे, ठीक है, इसके बाद में कन्फर्मेशन लेना बंद कर दो। जितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे आप क्या बन जाओगे, पोस्टमैन बन जाओगे। क्या आपको पोस्टमैन बनना है? नहीं, आपको स्टेनोग्राफर बनना है, स्टेनोग्राफर बन के गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो सर करे क्या, सुनो, अगर आपको पता है कि इतने नंबर से ज्यादा नंबर है तो डेफिनेटली तैयारी करो। शॉर्ट हैंड सर हम बिगिनर हैं, क्या करें, डेफिनेटली करो। सर हमने पहले प्रैक्टिस की थी लेकिन शॉर्ट हैंड नहीं निकला था, क्या आप करें, अरे डेफिनेटली करो। सभी लोग के लिए आंसर है यस 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 यस। क्यों सर आप सबको यस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि देखो अगर ट्राई नहीं करोगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चलो मान लो सिनेरियो वन, एग्जाम लेट हो जाता है, ठीक है, एग्जाम लेट हो जाता है और आप प्रिपेयर ही नहीं हो तो करोगे क्या, कुछ नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। सिनेरियो टू, आप प्रिपेयर करते हो और एग्जाम जल्दी आ जाता है, तो अगर नहीं भी प्रिपेयर करते, वैसे भी एग्जाम तो आने ही वाला था तो आपकी तो कोई भी तैयारी थी नहीं, तो अब आपकी तैयारी थोड़ी बहुत तो है, एटलीस्ट एग्जाम देने चले तो जाओ, कुछ ना कुछ पता चलेगा। सिनेरियो थ्री, अगर आपने तैयारी की, एग्जाम लेट होता जा रहा है और आप तैयारी करते जा रहे हो, पता नहीं चल रहा क्या करें, तभी भी आपके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप तैयारी पर तैयारी, आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है करने के लिए। तो तीनों सिनेरियो का आंसर है यस, तैयारी करनी चाहिए। चौथा सिनेरियो ये है कि आपने तैयारी की ही नहीं है, एग्जाम लेट हो गया और आप बस सोचते रह गए, या फिर इसमें हर सिनेरियो डाल दो कि आपने शॉर्ट हैंड नहीं सीखा और आप यहां वहां दूसरे एग्जाम में जा रहे हो। क्योंकि देखो SSC का प्री एग्जाम भी क्रैक करना अपने आप में बड़ी बात है, आपको पता नहीं नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, CET आएगा, कैसे एग्जाम का पैटर्न होगा, क्या होगा, कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे। अगर आपने अभी क्वालिफाई किया है तो मेक श्योर जी जान लगा दो शॉर्ट हैंड में, सर हम रेडी हैं जी जान लगाने के लिए, अब क्या करें बताओ। देखो सिंपल है, अगर आप बिगिनर हो, आपको शॉर्ट हैंड नहीं आती, तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे कि बहुत बच्चे बताएंगे, देखो यहाँ पे ये स्टेनो फील्ड में ना मुझे बिल्कुल चीज नहीं पसंद है, कि अगर आपने आपको जॉब नहीं मिली है तो आप चाहते हो सबको नीचे खींच के लेके आओ, सब बिना जॉब के बैठे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जॉब नहीं मिली, वो आपकी सिचुएशन थी, आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, आपको नहीं एडवाइस मिली। देखो ऐसा नहीं कि आप पेट से जैसे बाहर निकले आप बोले कि मैं स्टेनोग्राफर बनूंगा, आप भी कहीं ना कहीं से भाग कर आए हो, या तो मैथ से डर कर, या तो CGL से डर कर, या तो CHSL से छोड़कर कहीं ना कहीं से आप भाग कर आए हो। तो जब अब आपके आने के बाद दूसरे बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर बिगिनर हैं तो शॉर्ट हैंड सीखे, कहां से शॉर्ट हैंड सीखे, डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि I am one of the finest टीचर ऑनलाइन जो शॉर्ट हैंड सिखा रहा है, बहुत ही यूनिक तरीका है मेरे शॉर्ट हैंड सिखाने का, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी यही है, पहले मैं स्टेनो टीचर रह चुका हूं जॉब लगने से पहले, ठीक है, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है। एक बैच मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है स्टेनोग्राफर्स की, ये सभी बैच इस बार SSC स्टेनो में परफॉर्म करने वाले हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि सभी लोग बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। वो बैच जिन्होंने मुझसे बेसिक सीखा 4 महीने में, अब वो लोग स्पीड बैच में आ चुके हैं, स्पीड में डिक्टेशन लिख रहे हैं मुझसे, ठीक है, जहां पे हम लोग एग्जाम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास में दोनों बैच रेडी है, अगर आप बेसिक शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हो तो इसकी भी बैच अभी रेडी है, बन चुकी है बैच, धीरे 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 हम क्लासेस आगे बढ़ा रहे हैं। एवरी वीक एक लाइव क्लास होती है, इसके अलावा यू गेट VOD, व्हाट इज VOD, वीडियो ऑन डिमांड, जब जब आपको जो जो वीडियोस पढ़ने हैं आपके पास में वीडियोस रेडी हैं, पूरा का पूरा पिटमैन ब्लूप्रिंट कोर्स रेडी है आप लोगों के पास में, वहां पे
हर एक चैप्टर जहां पे YouTube में फ्री वीडियोस में आप जाओगे, फ्री वीडियोस में आपको क्या होता है, मुश्किल से एक कॉन्सेप्ट आपको 15-20 मिनट या 25 मिनट की वीडियो मिल जाएगी। वहीं पर मैंने एक चैप्टर के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा आपको 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बना के एक्सप्लेन किया है। सो ये अपने आप में बहुत ही डिटेल तरीके से समझाया है। सो होता क्या है, सबसे पहली बार आपने वीडियोस जब देखे कोर्स में, आपको ऐप मिलेगा स्टेनो स्कूल का ऐप, डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको पिटमैन ब्लूप्रिंट कोर्स मिलेगा, उसमें इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है, ठीक है। कोर्स का प्राइस देखे पगला नहीं जाने का, अरे बापरे इतना पैसा कैसे पढ़े क्या करे। अरे जब जॉब लगेगी तो आपको 45-50,000 मंथली सैलरी मिलने वाली है, उसके सामने आप अगर इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो आपके लिए शॉर्ट हैंड तो क्या, आपके लिए कोई भी फील्ड एजुकेशन में नहीं है, क्योंकि एजुकेशन आज के टाइम में हैज कम विद अ प्राइस। क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है तो इट हैज अ प्राइस। अगर आप रेडी हो वो प्राइस देने के लिए तभी आप आगे बढ़ो, वरना कोई बात नहीं, अपना पैसा बचा के रखो। उस पैसे से हो सकता है आप अंबानी या टाटा या इस लेवल पे पहुंच जाओ तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन नहीं पहुंच पाओगे तो मेक श्योर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहें। वो इन्वेस्टमेंट क्या है, वो ऐप का कॉस्ट है, मेरे टाइम का कॉस्ट है, आपके सीरियसनेस का कॉस्ट है, वो कॉस्ट आप उसमें दें। इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है, मंथली इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हैं। वहां पर आपने सबसे पहली बार वीडियोस देखे, सेकेंड टाइम आप लाइव क्लास में आए, वहां पे दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, रिविजन हुआ आपका पूरा कॉन्सेप्ट का, एंड थर्ड टाइम जब आप खुद पढ़ने बैठोगे पेन और पेपर लेकर, तब एक कॉन्सेप्ट को 3 बार सिखाया जाता है। तो आप बताइए कि क्या 4 महीने में नहीं शॉर्ट हैंड बच्चा सीख सकता है, डेफिनेटली सीख सकता है। और अगर बच्चे के पास में कोई और काम नहीं है, सुबह से शाम बस शॉर्ट हैंड ही सीखना है, तो वो 3-4 महीने से भी कम टाइम में सीख सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर, आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप कैसे शॉर्ट हैंड सीखेंगे। ये तो हो गए बिगिनर्स की बात, मैंने आपको बेसिक बैच में बेसिक शॉर्ट हैंड सिखा दिया। इसके बाद में जो एडवांस लेवल पे हैं, जो उन्होंने पहले शॉर्ट हैंड का एग्जाम दिया है, उनके लिए एक रिविजन बैच रेडी है। रिविजन बैच क्या होता है, 5 दिन के अंदर अंदर पूरी की पूरी पिटमैन की बुक का रिविजन करवा दिया गया है, अलॉन्ग विथ डिक्टेशन। 140 एक्सरसाइज का आपको डिक्टेशन मिलता है, वो भी 60-70-80-90-120 वर्ड पर मिनट के स्पीड तक डिक्टेशन भी मिलता है। सो 5 से 6 दिन के अंदर अंदर अगर आपने शॉर्ट हैंड पहले पढ़ी हुई है, बस आपके कॉन्सेप्ट थोड़े हल्के फुल्के आप भूल चुके हो, या फिर वो जो बीच का रिवीजन वाला टाइम है जब आप स्पीड बैच ज्वाइन करते हो तो अक्सर कॉन्फिडेंस आपका हिल जाता है, आपको पता नहीं चलता था कैसे डिक्टेशन लिखे, तो आप लोगों के लिए एक मैंने मैराथन क्लास अरेंज की है। मैराथन कोर्स भी आपको कहां मिलेगा, नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दे दूंगा, वो कोर्स भी आप जाके देख सकते हैं। वहां पर 5 दिन के अंदर अंदर पूरा डिक्टेशन के साथ में आपको एक्सरसाइज करवा दी जाती है। आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है बस 5 से 6 दिन के अंदर। देन जो और एडवांस लेवल पर हैं, सर स्पीड बैच के बारे में बताओ, तो स्पीड बैच हमारी एग्जाम सॉफ्टवेयर पे चलती है, एवरीडे शाम को 8:30 बजे हम लोग लाइव आते हैं। मैं आपको डिक्टेशन देता हूं, जनरल और लीगल दोनों, 2 स्पीड से आपको डिक्टेशन मिलती है, 80 और 100, 80 अराउंड 80-90 की स्पीड होती है, और 100 में अराउंड 100-120 तक भी स्पीड होती है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमारे पास हो रही है, एवरीथिंग इज रेडी, आपको बस आकर यहाँ पर पढ़ाई करना है मेरे साथ में। एवरी डे यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, चाहे आप बेसिक शॉर्ट हैंड सीखो चाहे आप स्पीड बैच में रहो, अगर आप कंसिस्टेंट होके प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो मैं तो क्या, कोई भी आपको जॉब कभी नहीं दिलवा सकता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप देखो, मैंने भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक की है, मैंने भी जॉब ली है, मैं जॉब में हूँ, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे बच्चे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, सभी लोग जॉब में हैं। सभी के साथ में एक कॉमन चीज है कि जो लगातार निरंतर मेहनत करता है, कंसिस्टेंट रहता है, उसी को जॉब लगती है। सो अगर आप भी रेडी हैं तो मेक श्योर जल्द से जल्द हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, और अगर आपको स्पीड बैच डायरेक्टली ज्वाइन करनी है तो यहाँ पे दिए हुए नंबर पे मुझे SHD व्हाट्सएप पर, SHD मतलब शॉर्ट हैंड डिक्टेशन, ठीक है, SHD व्हाट्सएप पर है, आपको मैं प्रोसेस बता दूंगा कि स्पीड बैच में डायरेक्टली आपको कैसे एंट्री लेनी है, ठीक है। सो ये था पूरा सोल्यूशन फॉर दी अपकमिंग SSC स्टेनो स्किल टेस्ट, ठीक है। कब होगा स्किल टेस्ट कोई अता पता एग्जैक्ट नहीं है, अंदाजा लगा सकते हम फेब में हो, शायद जैन एंड में हो, मार्च में हो, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये है कि एग्जाम तो आएगी, जैसे 1-2 महीना बीत जाएगा फिर डेट्स आगे पीछे होते रहेंगे। सो मेक श्योर कि आप तैयार रहो, जो भी है देखा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मजा आया इस वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप शॉर्ट हैंड के कौन से फेज पर हो, आप बिगिनर हो, मीडियोकर हो या एडवांस हो, बताइए, एंड आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन से वीडियोस आप चाहते हो कि मैं और बनाऊं, सर प्लीज इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो। सो नीचे कमेंट सेक्शन भरना चाहिए, मुझे भर भर के आपके कमेंट्स देखने हैं, मैं सभी कमेंट्स रीड कर रहा हूं एंड मैं रिप्लाई भी कर रहा हूं, ठीक है। चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शॉर्ट हैंड पढ़ते रहिए, स्टेनो स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए, आपके लिए कुछ ना कुछ वहां पर रहने वाला है, ठीक है।